इस गांव में सब समाज है, कोई ऐसा नहीं पंडित है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। गुंडा राज से राज नहीं चलेगा भाई। भर्ती खूब निकल रही है? भर्ती कहाँ निकल? अरे बाप रे, कूल वहाँ भर्ती गई तेल ले। दिन में दारू का ही पीते हैं बताइए। मेरे को तुम भर्ती देता तो मैं पीता नहीं, मेहरारू आ गई तपिया। साइकिल की सरकार बनेगी, कांग्रेस सपोर्ट करेगी। हम लोग एकदम खूंटा गाड़ के बैठे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम पिंडरा विधानसभा में मौजूद हैं। कुछ देर में जो है वो धूप ढल जाएगी, जिसके बाद अब इंतज़ार है कल का, क्योंकि कल सातवें चरण की वोटिंग है, यानी कि आखिरी जो है वो पड़ाव है उत्तर प्रदेश चुनाव का। उससे पहले तमाम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, तो पहले चाचा खैनी लगा रहे हैं। चाचा खैनी है? तो क्या सोचा जा रहा है चाचा, कल के लिए कुछ सोचा है? हम लोग तो सोचे हैं अजय राय को हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, और जीत भी रहे हैं, ये भी नहीं है कि नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? और बीजेपी के यहाँ पे विधायक रहे हैं तो मजा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? अरे हमको केवल गुंडा राज से राज नहीं चलेगा भाई साहब, कि हम ठेकेदार को पकड़ करके जनता को हलाल करें। तो ऐसा क्या गुंडा राज हो गया? योगी जी तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो हमने खत्म। वही ट्यूबवेल है, आप सामने देख रहे हैं ना, वो फ्री होना चाहिए ना। वो ट्यूबवेल से 5 रुपया बिस्तर लेते हैं, और बिगड़ता है तो बनवाने के लिए भी चंदा लेते हैं जबरदस्ती। तो योगी जी कह रहे हैं कि अब उन्होंने कहा कि जो सिंचाई के लिए जो बिजली का खर्च होगा उसका आधा लेंगे, मतलब अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी। हाँ, किए थे ना। हाँ। लेकिन वो आधे से मतलब नहीं है, लेकिन जो किसान दे रहे हैं 5 रुपया बिस्से, वो तो ले रहे हैं ना, दमंगई से ले रहे हैं ना। तो इसी मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। तो ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है सुबह के वक्त मूड चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, बदला हो? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। हम लोग एकदम खूंटा गाड़ के बैठे हैं। अच्छा, हाँ। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी जो है उस पर काम हुआ है, उस पर सबसे ज्यादा जो है उस पर लगाम लगाया गया। योगी जी के राज में इतना गुंडागर्दी हुआ है, लगाम नहीं हुआ, ऊपर से बढ़ा है। गुंडे उनके पार्टी में, सारे गुंडे उन्हीं के पार्टी में जुड़ गए हैं, और कोई लगाम नहीं लगा हुआ है, बल्कि गुंडा और बढ़ावा हो गया, बढ़ चुके हैं। क्या मुद्दे होंगे कल वोटिंग से, मतलब जब आप बूथ पे जाएंगे तो क्या सोच के बटन दबाएंगे? जी, हम लोग ये सोच के बटन दबाएंगे कि हमारा जो है ये गुंडा राज खत्म हो, और हम लोगों को, गरीबों को, हर चीज़ जो इतना महंगा हो रहा है, चरम पे हो रहा है, हाँ, और वो जो है वो कम हो, डीजल पेट्रोल हम लोग। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई गुंडागर्दी की बात तो ये है कि अब आप देखा होगा उनके जनसभाओं में जगह जगह बुलडोजर भी अब खड़े होने लगे हैं, और उन्होंने कहा है कि भैया सरकार बनेगी तो मरम्मत के लिए भेज दिया गया बुलडोजर के, फिर से चलाया जाएगा। ऐसा है जी कि वो गरीबों के ऊपर सिर्फ चला हुआ है, और जितने गरीब हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला है, कोई बदमाशों के ऊपर नहीं चला है। ये बीजेपी का सिर्फ जुमलाबाजी है, और ये जुमलाबाजी इस बार नहीं चलने वाला है। आप बताइए चाचा, कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं ये बताइए? दैनिक जागरण। फ्रंट पेज पे बिल्कुल देखिए, ये देखिए प्रचार पूरा जो है जोर शोर से चल रहा है चुनाव से एक दिन पहले। ये तो मोदी और योगी जी का चल रहा है। अच्छा, लेकिन अपने को विधायक अजय राय चाहिए। अच्छा, विधायक पे विश्वास ना, लोकल कैंडिडेट। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब सुबह अखबार खोलते हैं और देखते हैं इस तरीके का फ्रंट एड, तमाम बड़े बड़े नेताओं के फोटो और तमाम वादे, काशी गोरखपुर मेट्रो पर काम करेंगे, जो तमाम चीजें इसमें लिखी हुई है, ये सिर्फ, तो इससे दिमाग में नहीं आता कि भैया चलो कुछ बेहतर हो पाएगा अगर सरकार? इससे कुछ बेहतर नहीं, ये बोल वचन है सिर्फ। अच्छा, काम नहीं है? काम नहीं है, ये बोल वचन है। बोल वचन है। 5 साल विधायक बने डॉक्टर अवधेश सिंह, कभी गांव समाज में कभी दिखे नहीं। अच्छा, कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। हाँ। किसी के पास नहीं आए। अच्छा। ये इलेक्शन आए तब उन्होंने मैदान में आए। अच्छा, काशी के इलाके में जब मोदी जी आते हैं तो उनके तमाम विधायक भी वहाँ रहते हैं, वो तो कहते हैं कि भैया इन विधायक जी ने ये काम करवाया, विधायक जी ने ये काम करवाया। कोई काम नहीं विधायक जी ने करवाया है, और विधायक ऐसा विधायक चाहिए ही नहीं। अच्छा। अपने को अजय राय जैसा विधायक चाहिए, पार्टी लेवल से अपने को कोई लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन विधायक अजय राय, हाँ, अजय राय जैसा आदमी चाहिए। अच्छा, मुद्दे 5 साल के आपने देखे धरातल पे, कौन से मुद्दे पे लगा कि भाई बेहतर काम हुआ, कौन से मुद्दे पे लगा कि भाई नहीं काम हुआ? काम यही हुआ है, जैसे उनके जो चमचे हैं। हाँ। उनका काम होता है। अच्छा। बाकी लोगों का काम नहीं होता है। हाँ। जो उनके चमचे हैं उनका काम होता है। हाँ। बाकी लोगों का काम नहीं होता। अच्छा, दुकान आप ही की है? नहीं, मेरी दुकान नहीं, ये पाल जी की दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ, मेरा। आगे आ जाइए, आपसे ही बात करेंगे। तो ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं, 5 साल की सरकार देखी है, क्या देखा आपने?
पांच साल की सरकार में ने क्या देखा? अरे बहुत कुछ देखा है, यहाँ तो बच्चे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। और 10 साल की सरकार में बोलो कोई नौकरियां मिली किसी बच्चे को? नहीं मिली। वो तो कह रहे भर भर के रोजगार दिया, कहाँ दिए, कहाँ दिए सब बच्चे, कहाँ दिए सब बच्चे, तो ऐसे भटक रहे हैं, किसको दिए, किसको दिए? मनरेगा, और नरेगा से कोई करेगा ये बीए करके डिग्री लेके मनरेगा करेगा, ये रोजगार है? कौन से समाज ज्यादा इस इलाके में, इस गांव में रहते हैं? इस गांव में सब समाज है, कोई ऐसा नहीं समाज, सब 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 समाज के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब समाज है यहाँ, पंडित है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, अपना ये सब है, कोई ऐसा नहीं, कोई सब कुर्मी है, मौर्या है, धोबी है। डिबेट करना चाहते हैं सेलमैन साहब, हर अपने पिंडरा विधानसभा में बात करते हैं, बात करते हैं उनसे, बात करते हैं। आप बताए भैया क्या लेकर आ रहे हैं? कचरी के पैकेट है? तो कल का कल वोट दबाने बटन दबाने जाएंगे? जी हाँ। क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है। ठीक किसका चल रहा है? अजय राय का। अजय राय का क्यों पसंद आ रहे हैं? अजय राय विधायक यहाँ के अच्छे हैं, इसलिए पसंद आ रहे हैं। विधायक तो अवधेश है? नहीं नहीं, अवधेश है जरूर, लेकिन लाइक लोग इनको कर रहे हैं। अच्छा, इस समय फिलहाल में एक हफ्ता में हम 300 जगह जाते हैं और अजय राय का माहौल यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए युवा है क्या सोचा जा रहा है? जी देखिए, मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा, युवाओं का मुद्दा यूपी में इस बार चुनाव में क्या है ये बताइए। जी युवाओं का मुद्दा यही है कि इस पिंडरा विधानसभा में, इस पिंडरा विधानसभा में अवधेश सिंह को कोई पसंद नहीं कर रहा है, सब पसंद कर रहे हैं तो अजय राय को पसंद कर रहे हैं। जी अवधेश सिंह क्यों नहीं पसंद कर रहा? अवधेश सिंह 5 साल पहले उन्होंने ये चुनाव जीता, जीतने के बाद वह बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, ये उनको ये नहीं पता कि आगे का गांव का नाम क्या है। अच्छा। एरिया का नाम क्या है उनको ये तक नहीं पता। प्रदेश लेवल की बात करें तो कौन से मुद्दे आपको लगे हैं युवाओं के लिए जो हुए? युवाओं के लिए देखिए भाजपा सरकार सही है, हाँ बस इनका ये कमी ये है कि रोजगार नहीं दे पाए हैं। रोजगार के लिए युवाओं का ये स्पेशल मुद्दा रहेगा, 2 साल से भर्तियां नहीं आ रही हैं, सरकारी भर्तियां नहीं आ रही, आर्मी की भर्तियां नहीं आ रही हैं, पुलिस की भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो रोजगार का यही मेन मुद्दा रहेगा कि युवाओं को रोजगार मिले। क्या हुआ बताइए, बोलने दे, बोलने दीजिए। हाँ देखा हूँ, 10 साल भर्ती देखा हूँ, जब वहाँ से मैं जगतपुर उबरा सोनभद्र कहीं ऐसा नहीं कि मैं भर्ती नहीं देखा हूँ। ये जो कह रहे हैं ये तो छोटा मोटा खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो भर्ती खूब निकल रही है? भर्ती कहाँ निकला, अरे बाप रे कूल वहाँ भर्ती के तेल ले हुआ। दिन में दारू का ही पीते हैं बताइए? हमारा पीने का आदत है, जब मेरे को तुम भर्ती देता तो मैं पीता नहीं, मेहरारू आ गई तब पिया, मेहरारू में टेंशन जाते हैं ज्यादा ज्यादा ज्यादा, दिमागी मतलब मानसिक टकला या 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 या। देखो मेरा भैया इन्होंने ज्यादा आज पी रखी है, हमने सोचा थोड़ी सी शायद बातचीत कर ले, लेकिन इन्होंने ज्यादा पी रखी है। आप बताए भैया क्या नाम है? सतीश पटेल नाम हमारा है। पटेल साहब, या पटेल समाज के लोग ज्यादा हैं? पटेल समाज के लोग हैं, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, ठाकुर भी है। तो क्या मतलब दिमाग में चल रहा है? दिमाग में कांग्रेस को बटन देंगे हम लोग, अजय राय को जिताएंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए अभी भर्ती उर्ती जो चल रही है इनका पेपर होने के बाद भी लीक हो जा रहा है, ट्रेन बेच रहे हैं। पार्टी आपको ठीक लग रही है, कैंडिडेट ठीक लग रहा है? कैंडिडेट ठीक है, पार्टी भी सही है, लेकिन उसके कैंडिडेट नहीं सही है। अच्छा, हाँ जितने विधायक उधायक यहाँ के, हमारा विधायक सही है नहीं है। अच्छा, जो अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हाँ, तो इसलिए बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं पूरा पूरा। अच्छा, यहाँ नहीं, बटन दबाने से पहले मूड बदल जाए ऐसा कुछ नहीं है, मूड उड नहीं बदलेगा, हम लोग पूरा मूड बना के चले हैं, अजय राय को ही जिताना इस बार। हाँ भैया क्या नाम, नाम बताइए पहले। मेरा नाम हरिमन राजभर है। राजभर जी हैं, तो इसलिए राजभर जी खूब कह रहे थे कि भाई बनारस के आसपास वाले सीट पे तहलका मचाएंगे। कहते हैं राज, वो तो कहते हैं, लेकिन हम लोग अजय राय को मानते हैं। अच्छा, अजय राय, अजय राय। ये बताइए कि जिस तरीके से 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार आपने देखी, उन्होंने तमाम चीजों पे कहा था भैया ये काम किया हमने, ये काम किया, सबको साथ लेकर चले, सबका विकास हुआ। क्या कहते हैं, लड़का इतना पढ़ लिख के हमें भी ये कहकर रोजगार बिना भटकाता है, तो काम धंधा नहीं पावता है, नरेगा में काम करता है, रोड पर काम करता है, या रोजगार देता है, तो इसलिए पसंद नहीं आ रहे? नहीं नहीं, तो बदलाव करेंगे? बदलाव तो होना जरूरी है। मोदी यहाँ संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, तो मोदी जी तो पसंद होंगे? मोदी जी आएंगे तो आएंगे, पहले इनका पहले ये देखो, पहले विधानसभा, विधानसभा निपटा दिया जाए। हाँ। बाद का बाद में, बाद में, हाँ मोदी नहीं आएंगे, बाद में देखा जाएगा उनका। तो ये बताइए कि मोदी पसंद है योगी पसंद है, दोनों में से कोई नहीं? कोई भी नहीं पसंद है, एक भी नेता नहीं, नहीं। तो ये बताए, सुना लाइन है, भाड़ा पे दे दे, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे,
हवाई जहाज का एयरपोर्ट हो, दे दहन बेच दहन, रेलवे बेच दहन, कुल भाड़े गांव वालों को सब मालूम है क्या सब, हो रहा है फिर देश दुनिया में, फिर गांव वाले पागल थोड़ो ना, गांव वाले पागल गांव वाले जागरूक हो गए हैं, जनता जागरूक हो गई है, अपना मन पहले बना लेती है हमको किसको चुनना है, ना कोई दबाव ना कोई प्रेशर। हाँ जी, टीका वीका लगा के बिल्कुल तैयार है कल के लिए? जी बिल्कुल तैयार है, लगाते हैं जी, बिल्कुल लगाते हैं, भोलेनाथ का पूजा करते हैं, काशी विश्वनाथ के धरती पे हैं, ब्राह्मण हैं जी। अच्छा ये बताइए भैया, सुबह से कितनी बिक्री कर लिए बता दीजिए आप मुझे। अभी ये गांव का धंधा है, क्या है 200-400 का बिक्री होता है और ज़्यादा कुछ दिन में इतने बस, और क्या होगा, ये गांव है ना, वो तो है, मतलब बाजार तो है नहीं कि चलो आम पब्लिक है। यूपी में क्या लग रहा है, बदलाव का माहौल है या वही? बदलाव तो होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा, अच्छा जरूर होगा, पक्का है होगा, सोच लिया हो जाएगा। क्या परेशानी होगी? साइकिल की सरकार बनेगी, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, कांग्रेस का सीट निकल रही है, वो प्रियंका से वो समर्थन लेगा, वो सरकार बना, दोनों को मिला के चलेंगे, ये अखिलेश यादव सरकार बनाएगा, पक्का है, दोनों को मिलकर चलेंगे, मतलब साइकिल और अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मिलकर चलेंगे। चलिए भैया, ये गाँव के वोटर है, कल ये बूथ पे जाएंगे और बटन दबाएंगे, लेकिन बटन दबाने से पहले क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो है वो बटन दबाने वाले हैं, यही लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कितना दिख रहा है प्रभाव उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी का, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए कि भैया कल चुनाव है, चुनाव से पहले क्या कुछ माहौल बन रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।